हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मौसमी मिनी पार्क से और उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और सेफ होंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद आज एक ढंग का वीडियो बनाने वाली हूँ और इस वीडियो की आधा पोर्शन तो मैंने बीमार होने से पहले ही शूट किया था और आज मैं वो रिज़ल्ट दिखाने वाली हूँ। मैं बताने वाली हूँ इम्पेशंस प्लांट के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप सबने देखे हो मेरे गार्डन पे बहुत सारा इम्पेशंस प्लांट मैंने इस बार ग्रो किया है और ये जो इम्पेशंस प्लांट ये मैंने नर्सरी से खरीदी थी। तो नर्सरी से जब मैं ये प्लांट्स लाई थी, वो नर्सरी वाले जो मिट्टी में उसको ग्रो किया था, बालू बहुत सारा बालू था उस मिट्टी में, तो वो सारी मिट्टी को हटा कर मैंने रीपॉट कर दिया था। मेरे जो गार्डन सॉइल मैंने बनाया था इस बार, किसी वीडियो में मैंने शेयर किया है जेके जी के मदद से मैंने इस बार किस तरह अपनी गार्डन सॉइल बनाया था। कोकोपीट, भर्मी कंपोस्ट, मेरे गार्डन सॉइल सब कुछ मिला के वो मिट्टी तैयार की थी। तो उस मिट्टी में मैंने इस प्लांट की रिपोर्ट कर दिया था और इसके बाद जो कुछ देखभाल किया था मैंने वो था 8-10 दिन बाद मैंने इस प्लांट को, हालांकि सभी मेरे जो कुछ भी विंटर के प्लांट्स मैंने लगाया था सभी को 8-10 दिन बाद सरसों की खली दे दी थी। तो उसके बाद ये बहुत अच्छे से ग्रो भी कर गए हैं और बहुत ही बेहतरीन इस पर फ्लावरिंग भी हो रहे हैं। तो इम्पेशंस प्लांट तो मुझे बहुत ही पसंद है क्योंकि हज़ारों फूल खिलते हैं इसमें और इसकी थोड़ी देखभाल अलग होती है क्योंकि ये सकुलेंट एक प्लांट है, तो इस पर ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत ही वेल ड्रेन्ड सॉइल में रखना पड़ता है लेकिन ज़्यादा वाटरिंग नहीं करना चाहिए। तो इस बार तो आप सब ने देखे हो कि बहुत बार बारिश हो चुकी है। इस बार विंटर में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा बारिश हो चुकी है। तो मैं जो करती थी, जब भी मुझे लगता था कि आज बारिश होने वाली है तो मैं इस प्लांट को शेड में लेकर जाती थी। तो वैसा इस बार भी किया है क्योंकि पिछले दिन बारिश हो चुकी है हमारे यहाँ, तो काफ़ी सारे फूल खिलते हैं तो वो झड़ भी जाते हैं, तो वो सारे झड़े हुए फूल पत्ते वो सब क्लीन करना पड़ता है और ऐसा ना करने से सड़ने लगते हैं वो सारे चीज़ें, तो प्लांट ख़राब हो सकते हैं। तो मैं ऐसा करती हूँ, प्लांट को बहुत ही क्लीन रखना पड़ता है। और अभी तो मैं इसकी कटिंग भी लेने वाली हूँ क्योंकि बहुत ही ये फैल गए हैं और जो कुछ भी ब्रांचेस बाहर निकल आए हैं उसको मैं कट कर दूँगी ताकि ये प्लांट फिर से वापस बहुत सारे इसमें ब्रांचेस बने और ढेरों सारे फूल फिर से खिलने लगे। और ये सारे जो बाहर निकल आए हैं ये तो बहुत दिनों से खिल रहे हैं ये सारे ब्रांचेस, तो इससे पहले भी मैंने इसका कटिंग लिया था और आज वापस से लेने वाली हूँ ताकि ये प्लांट शेप में भी रहे और अंदर में धूप भी पड़े ठीक से, नहीं तो ये गलने लगते हैं। तो बारिश के पानी से बचाना है और ज़्यादा पानी देने से इसको बचाना है, यही है इसकी देखभाल। और इसकी जो कटिंग है देख सकते हो, मैंने कुछ इस तरह से कटिंग लिया है और इस बार मैं फूल समेत इसको लगाने वाली हूँ। और आपको जो ख्याल रखना है वो है एटलीस्ट इसमें दो नोड वाले जगह होनी चाहिए तो अच्छे से इसकी रूटिंग हो जाते हैं। वैसे तो मेरे पास जगह की बहुत ही कमी है, फिर भी ये सारी कटिंग्स को फेंकने से बेहतर मैं इधर उधर पॉट में लगा दूं, तो वो सारे मैं आज करने वाली हूँ। और ऐसे करने से आपकी जो मदर प्लांट है वो भी बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं और इसकी कटिंग से आप हज़ारों प्लांट एक प्लांट से बना सकते हो। तो मैं कुछ इस तरह से लगाने वाली हूँ। मेरे पास जो कुछ भी पॉट है
उस पे ही मैं लगा देने वाली हूँ, और फिर मैं दिखाऊंगी कौन कौन सी कटिंग चले हैं। और ये वाला जो कटिंग है ये कुछ दिन पहले मैंने लगा दिया था, तो आज इस जगह पे कुछ लगाया है और कुछ इस बास्केट में भी लगा दिया है। और कुछ कटिंग्स मैंने जो वांडरिंग जीव प्लांट ग्रो की थी उसी पे मैं लगा दिया है। वैसे तो वांडरिंग जीव भी चल पड़े हैं। तो फ्रेंड्स आज दिखाऊंगी रिजल्ट, और देख सकते हो इस बीच तो मैं बीमार पड़ गई थी और आज मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ। तो देख सकते हो मेरे कटिंग्स बहुत सारे लगा दी थी लेकिन सब तो नहीं चल पड़े, दो एक तो चल पड़े हैं। तो देख सकते हो इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है, तो इस पे दो ही कटिंग बचे हैं। और ये वाला कटिंग तो बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं, और मेरे ख्याल से इसमें रूट भी बन गए हैं क्योंकि ये तरोताज़ा दिख रहा है। और इसकी हालत थोड़ी ख़राब है, और ये वाला कटिंग ये हरी भरी है तो ये बहुत अच्छे से चल रहे हैं बता सकते हैं। और इधर भी कुछ कटिंग्स मैंने लगा दी थी देख सकते हो, इसमें काफ़ी सारे कटिंग्स मैंने लगा दी थी और सभी चल पड़े हैं। और ये जो पिटूनिया है ना ये तो ये भी मैंने कटिंग से ग्रो की थी और इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है। तो इस बास्केट में भी देख सकते हो ये तो बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं और फ्लावरिंग भी कर रहे हैं। तो ये जो इम्पेशंस प्लांट है ना ये बहुत ही बढ़िया है, कटिंग से आसानी से चल जाते हैं। और ये वाला जो प्लांट है ये तो बहुत पहले मैंने कटिंग से लगाई थी, और ये पिछले बार जब मैं लगाई थी उसी कटिंग, तो कुछ इस तरह से चल रहे हैं। और इस गमले में भी लगाया था लेकिन वो मर गए हैं, बारिश हो चुकी थी इस बीच, तो बारिश के पानी से ना ये ख़राब हो जाते हैं और ज़्यादा वाटरिंग करने से भी ये गलने लगते हैं। लेकिन ये बहुत ही आसानी से इसको ग्रो कर सकते हो कटिंग से। तो फ्रेंड्स यही था आज की वीडियो, होप करती हूँ ये वीडियो आप सबने पसंद किए हो। अगर पसंद किए हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय।